बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं बहुत ही डिफरेंट एक रेसिपी बनाने लगी हूँ, तो चिकन कीमा और मिक्स वेजिटेबल। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले तो बनाने से पहले मैं आपको बता दूंगी कि इसमें मैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ। चिकन मैंने लिया, 1 पाव लिया मैंने चिकन। साथ में मैंने लिया जीरे और मेथी और सूखे धनिए की 1 1 टेबल स्पून पाउडर जो है उसका। और साथ में मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। काली मिर्च मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है हल्दी। और लेमन जूस मैंने 2 चम्मच लिया है। 3 मैंने प्याज लिए हैं, उनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और वेजिटेबल में मैंने ली है फलियाँ ली हैं, शिमला मिर्च ली है, आलू ली है मैंने 2, उसको उसके क्यूब में काट लिया उसको। और साथ में मैंने गोभी ली है और लहसुन अदरक का हम पाउडर ऐड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, उसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख के उसके अंदर ऑयल भी डाल दिया है। तो ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर प्याज सबसे पहले ऐड करेंगे। ये बहुत ही झटपट से रेसिपी तैयार होने वाली है। तो इसको 3 मिनट हो गया है मैंने भूनते हुए, अब हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे इसमें। और साथ ही हम लहसुन अदरक का पाउडर जो है वो ऐड कर देंगे। तो 1 टेबल स्पून मैं ऐड करने लगी हूँ अदरक का पाउडर और 1 टेबल स्पून ही मैं लहसुन का पाउडर ऐड करने लगी। तो अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा कीमा जो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से इसमें भून लिया। और चिकन क्यूब मैंने बताना भूल गई थी, एक हम ये भी इसमें ऐड करेंगे और बाकी जो मसाले मैंने सारे बताए हैं वो ऐड करते हैं इसके अंदर। लेमन जूस भी साथ, हल्दी और ब्लैक पेपर। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस 2 मिनट तक इसको भूनेंगे मसाले के साथ कीमे को। तो 2 मिनट तक मैंने अच्छे से इसको भून लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर की पेस्ट 2 चम्मच, तो 1 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भून लिया। अब हम इसके अंदर मिक्स जो वेजिटेबल हैं वो ऐड करेंगे। अगर आपको ये वाली वेजिटेबल पसंद नहीं है तो आप अपनी मर्जी की भी वेजिटेबल ऐड कर सकती हैं इसके अंदर। मुझे ये पसंद थी तो मैंने यही ऐड की। वो आपके टेस्ट के मुताबिक है कि आपको कौन सी वेजिटेबल अच्छी लगती है। अगर आप चिकन क्यूब नहीं पसंद करते तो वो भी आप ना डालें, बस उससे एक टेस्ट अच्छा आ जाता है इसलिए डालते हैं। बस इसको 5 मिनट तक हम अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे। तो फिर इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के तो कवर करके 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे।
मीडियम फ्लेम पे। तो 5 मिनट तक मैंने अच्छे से इसको भून लिया, ये देखें। तो अब हम इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डाल के तो मीडियम फ्लेम पे रख के पकाएंगे कवर करके। ताकि हमारी वेजिटेबल जो है अच्छे से गल जाए। चलें 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो अब हम चेक करते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेडी हो गई। मैंने बीच में एक दफ़ा चमचा चलाया था, अब हम इसके ऊपर धनिया और सब्ज मिर्ची डालेंगे। और बस हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। दुआओं में याद रखना। न्यू रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।